जय जय श्री राधे, सभी को स्वागत है आपका लन किचन गार्डनिंग विद उत्सव चैनल में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको एक पालक को ग्रो करने का एक ऐसा सीक्रेट टिप बताने वाले हैं जिससे आपको पालक के सीड्स भी मिलेंगे और साथ ही में बहुत सारा पालक हार्वेस्ट करने भी मिलेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, कल ही हमने इससे पालक हार्वेस्ट किया और आज फिर हमारा बहुत सारा अच्छा से हार्वेस्ट करने लायक ग्रो हो गया है। यानी हर हफ्ते भर में हमको पालक मिल सकता है उस टिप को फॉलो करने से। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पालक को हम लोग आपको इस तरफ वाली है जो यहाँ पर जो उगी हुई है इसका हम लोग आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमको सबसे पहले क्या करना है, अपनी पालक जब भी हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद में जितने भी हमारे ये बचते हैं, आप देख सकते हैं ये जितने भी हमारे पालक को तोड़ने के बाद जो डंठल बचता है इस सबको हमको रिमूव कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसको रिमूव करने से क्या होगा, हमारा जितना भी इसमें जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स जा रहा है या फिर जितनी भी हमारा वेस्टेज हो रहा है न्यूट्रिशन का, वो सब हमारा बचेगा। और ये जो ग्रीन पार्ट है ये आपका खुद से अलग नहीं होता है, आप लोग 15-20 दिन बाद भी देखेंगे तो ये ऐसी ग्रीन रहेगा। तो उसमें एनर्जी प्लांट की वेस्ट होती है, तो इसको तो हम लोगों को सबसे पहले हटा लेना है। इसको हम लोग ऐसे पूरा इस कंटेनर का हटा लेंगे। या आप लोग इस पालक को करने से आपके पालक का साइज़ भी ग्रो होगा और आपकी बहुत समय तक पालक मिलती रहेगी। और एक क्वेश्चन और आप लोग पूछते हैं कि पालक को हम लोग कितने बार तक हार्वेस्ट करते हैं, क्या केवल 3 बार तक बस कर सकते हैं? तो नहीं, हम लोग इसको कई बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग लगभग 1 साल भी हमारा पालक चल जाता है अगर हम लोग इसका हर बार ऐसे ही हटा के इसमें खाद देते जाएँ। तो अभी तो हमने ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे हम लोग डंठल हटा दे रहे हैं और थिनिंग कर लेंगे हम लोग पतली पतली, जितने भी हमारे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, सीड्स आ रहे हैं, अगर आप उनको रखना चाहें तो रख सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। देख लें हम लोग ऐसे थिनिंग भी हो जाएगी। ये हमारा सिंगल पालक का प्लांट है, देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें हैवी है, बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारा अकेला पालक लगा हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का और भी प्लांट नहीं है, सिंगल। अगर हमारा सीड डलता है और फिर ग्रो होता है तो उसका फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये आप देख सकते हैं हमारा सिंगल पालक है, इसमें बस अब हमको कुछ नहीं करना है, हमें बाकी अभी कर लेंगे। अब हम आपको इसमें खाद दे के दिखाते हैं। तो हमको खाद देने से पहले बहुत आसानी से अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है। ऐसे हम लोग गुड़ाई कर लेंगे। अगर आपके कंटेनर में जगह नहीं है तो आप लोग इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, गोबर की खाद का या राख का या कंडे की गोबर के उपयोग का। और जो आपके प्लांट्स एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं जो छोटे अभी बाद में हो गए हैं उनके हम लोग इस तरह से थिनिंग कर सकते हैं। थिनिंग करने के बाद में हमको अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। दिख रहे हैं फ्रेंड्स हमने गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें अच्छी तरीके से सड़ा हुआ गोबर खाद लेंगे। इस गोबर खाद को लेकर हम लोग बस ऐसे हमको पोर कर देना है। इसमें हमको क्या इस बात का ध्यान रखना है कि पानी की कमी ना होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा समय तक लगातार पालक चाहिए तो हमको पानी की कमी नहीं होने देना है बिल्कुल भी, हमारी सॉइल मॉइस्ट रहे। जैसा आप अभी देख सकते हैं हमारी सॉइल बिल्कुल मॉइस्ट है, हमने सुबह ही पानी दिया था। बस हम लोग ऐसे थोड़ी थोड़ी खाद सब जगह स्प्रिंकल करके मिट्टी को ऐसे मिला के ऊपर से पानी दे देंगे। बहुत ही आसानी से हमारी पालक ग्रो हो जाती है। लगभग इसको हम लोग साल भर भी ऐसे रख सकते हैं, लेकिन समर्स में फिर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बारिशों में ख़राब भी होने लगती है। तो बस अभी हमको लगभग इसको मार्च अप्रैल तक चलाना है। तो हम लोग बस इस तरह के ऐसे खाद दे के हार्वेस्टिंग करते जाएंगे। इस बार तो हमने सॉलिड फर्टिलाइज़र दिया है, अगली बार हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे क्योंकि पिछली बार भी जब हमने इसकी सॉइल प्रिपरेशन भी ज़्यादा नहीं कर पाए थे तो हमने इसमें बस लिक्विड फर्टिलाइज़र दे करके सीड सोइंग कर दी थी। आप देख रहे हैं जितने भी हमारी डेड लीव्स वगैरह हैं सभी को हमको हटा देना है। और हटाने के बाद आप देख रहे हैं बहुत अच्छा है हमारा, बस अब हम ऊपर से इसमें पानी दे देंगे। तो इससे हमारा फ्रेंड्स जितने भी पालक में हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे प्रिजर्व होंगे और ये हमको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। ये पीछे भी आप लोग देख रहे हैं ये भी हमारी पालक लगी हुई है, ये भी बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। तो बस फ्रेंड्स यही वीडियो था, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक गुड बाय।